आपकी बड़ी गहरी निगाह है पाकिस्तान की सियासत पर, तो पूरी दुनिया में जितनी खबरें आती हैं वो आपकी निगाह से गुजरती हैं, फिर वो पेस्ट होती हैं, हजारों लग जाती हैं, लाखों रह जाती हैं। तो मैं आपसे ये मुल्क में हूँ क्योंकि आप ये बताएं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, कुछ नए इत्तेहाद आपको बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में तो कभी कोई नहीं, कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, कभी को पहले नहीं कहा जा सकता। एंड टाइम पे आके कल के इत्तेहादी हरीफ बन जाते हैं, कल के हरीफ इत्तेहादी बन जाते हैं। पीडीएम की मिसाल आपके सामने है, गवर्नमेंट बनी उनकी, वो एक दूसरे के साथ पहले भी उनके खिलाफ इत्तेहाद हुआ, पीडीएम बना, पीपल्स पार्टी अलग हो गई, फिर पीपल्स पार्टी इनके साथ शामिल होगी गवर्नमेंट में, 16 माह इकट्ठे रहे हैं, तो अब फिर एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत हो रहा है। ये पाकिस्तानी सियासत का तो चलन ही यही है, कभी कल के इत्तेहादी आज के हरीफ बन जाते हैं, आज के हरीफ कल के इत्तेहादी हो जाते हैं, तो इसमें तो भी कोई कहा नहीं कहा जा सकता। जब इलेक्शन का ऐलान होगा, कोई शेड्यूल फाइनल होगा, उसके बाद कुछ सूरत वाजे होगी। तो एक तरीके से मिले पाकिस्तान है, एक इंसाफ वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाला ग्रुप है, आप इनको किस तरह मायल देख रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ किस प्रकार ने खोला है इनको? जाहिर है जहाँ से वो पहले आते हैं लोग वहीं से आते हैं, ये भी उनको कहीं ना कहीं वहीं से आती है ना सारे हमारे, ये तो पिटारी का मास्टर तो एक ही होता है ना। अच्छा, एक ही जगह से सारे आते हैं, तो अब उसमें जाहिर अभी तक उनको कितना कोई नई पॉपुलैरिटी मिल सकी, तो अभी तो फिलहाल तो वही चल रहा है मामला, तरीके इंसाफ वर्सेज मतलब नून लीग कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रहे हैं, यही है। और तो फिलहाल केपी और बलोचिस्तान में मौलाना फजल जलसा किया, इशारा भी उन्होंने कल जाने में जलसा, वो तो जलसा फिर वो किया था जलसा उन्होंने तरीके से काम नहीं, वो जो पीटीए नजरियाती बनी है खटक वाली, इशारा में किया, वो नजरियाती वो जलसे में पिछले में पूछा था ना कि जनाब वो कुर्सियां खाली हैं, तो उन्होंने कहा नो कमेंट। तो अब जाहिर अभी तो उनकी सूरतें लिए है, तो नौशहरा वैसे भी उनका प्रदेश हट का होम ग्राउंड है, उसमें तो कुछ ना कुछ जाहिर उन्होंने गैदरिंग कर ही लेनी थी। तो मेरा नहीं ख्याल प्रदेश खट्टा को इतना कुछ ना कोई डेंट पीटीए को डाल सकेंगे फिलहाल, तो पीटीए को डेंट कैसे पड़ेगा? ये तो कहते हैं जब तक डेंट नहीं पड़ेगा हम इलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन तो इनको जाहरा कराना ही पड़ेंगे, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। वो जनवरी फरवरी की डेट आ रही है, तो मेरा ख्याल है ये इलेक्शन करा देंगे, तो कोई ना कुछ कर लेंगे सूरत उस वक्त तक मैनेज कुछ वगैरह। वो फिर आप हमारे मुल्क में पता है ना, सिर्फ मकबूलियत काम नहीं आती, साथ कबूलियत भी जरूरी होती है। नहीं, अब ये जो मसला कबूलियत वाला है, अगर पीटीए और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो जाते हैं और ये कबूलियत वालों को ये कबूल होगा? नहीं, पहली बात तो ये इनका मेरा नहीं ख्याल कि इनका इकट्ठा होना कोई मुमकिन लगता है मुझे, जो लेकिन वो वही बात है कि हमारी सियासत में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, तो मतलब क्योंकि सियासत की राहदारियों में मैं ये देख रहा हूँ, ये ऐसे मतलब चांस तो हो सकता है, वो ये ना मैं बता रहा हूँ कि हमारी सियासत में कोई हम कबल वक्त कुछ नहीं कह सकते। अभी मैं चौरी सर्वस से मिल के आ रहा हूँ, उनसे बहुत ज्यादा बातें हुई हैं, सही, तो उनका भी इम्प्रेशन यही है, और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को मैंने पहले भी कहा था, हम दोनों के साथ लड़ाई ना लड़े, एक एक के साथ लड़े, तो इससे नतीजा कुछ अच्छा निकला। तो वाकई हुआ भी ऐसे, ऐसे जब चारों तरफ रास्ते खोल लिए तो वो भी बड़े दमदार सारे थे, उन्होंने पटका के रख दिया, तो अब भी वो कहते हैं कि मैं तो अब मुस्लिम लीग का हाथ में हूँ, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है ना वो ऐसे है कि ये मिल जाएंगे। आपकी बड़ी निगाह है, मतलब अगर तो वो जो इमरान खान चेयरमैन पीटीआई का मौकफ रहा है दूसरी पार्टियों के हवाले से, अगर तो वो उस मौकफ को देखा जाए फिर तो इनका जो नजर नहीं आता है इत्तेहाद होना मुमकिन, लेकिन वो सियासत वही है ना कि सियासत में पीपल पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद का ही नजर आता था आपको, लेकिन वो दोनों की बात यह है कि इत्तेहाद इनका मिसाल के जमहूरियत हुआ, काफी अरसे से इनके मामला ठीक थे, इनके गवर्नमेंट उन्होंने इकट्ठी की है, मतलब वो इस तरह से इतने ज्यादा ऊपर इतनी हाई पीक पे जाके इनके फजल रहमान और जो उसद कैसर और अपने कुछ और लोग मिले हैं अपने मौलाना फजल रहमान से, ये क्या कहानी अंदर की बात पता चला? नहीं, वो तो जाहिर कहते हम तजियत के लिए गए थे, तो मौलाना फजल रहमान ने जलसे में कहा जी एनआरओ लेने आए थे तो मैंने इनकार कर दिया, तो अब जाहिर वो इनके वैसे तो पीटीआई में इतना रिवाज नहीं है कहीं तजियत वगैरह पे जाने का, तो अब कुछ ना कुछ तो होगा ना, उसके किसी मकसद के लिए गए होंगे कि मौलाना से क्यों मदद लें, क्योंकि अपनी थोड़ी मौलाना तो उठा कर रख दिया, मौलाना ने तो जलसे में कह दिया कि मैं तो एनआरओ में, आपको फोटो नहीं जारी करनी चाहिए, हाँ वो वीडियो नहीं जारी करनी चाहिए थी, वो फिर मोहम्मद में नमाज भी पढ़ लिया उन्होंने,
इसमें भरदार में काला तो है ना कुछ है तो नहीं, तो ये अवाम को क्या तसर दे रहे हैं, ये मुझे ये पता है ना कि अवाम जो कि उनकी वोटर हैं सपोर्टर हैं और वो कहते हैं इन्हीं से हमने आना है इकतदार में, तो इनको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि भूख महंगाई परेशानी खुदकशियां ये हमारे गले पड़ी हुई है। मैसेज यही दे रहे हैं कि हम बस सियासत कर रहे हैं, बाकी सब अवाम की खैर है, हम सिर्फ सियासत कर रहे हैं।